बीती शाम फरीदाबाद के पंजाबी बहुल क्षेत्र बड़खल विधानसभा में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे और जनता को संबोधित किया। वहीं उनके संबोधन के दौरान ही फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी और लोकसभा उम्मीदवार कृष्ण पाल गुर्जर भी मंच पर पहुंच गए और उन्होंने भी जनता को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। नायब सिंह सैनी आज के मुख्यमंत्री मेरे साथी 1995 के हैं और उसके बाद उन्होंने अपना जो काम करने का तरीका पार्टी को जो दिखाया करके पार्टी प्रभावित हुई, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया और अब जब नए मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्हीं का चयन नए मुख्यमंत्री के नाते से और किया गया कि आज नए मुख्यमंत्री हमारे वो बने हैं। तो भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। ये अगर कांग्रेस की बात होती तो क्या होता, वहां एक बार कुर्सी किसी को मिल जाए कोई छोड़ता उसको? क्यों छोड़ता है कोई? कांग्रेस में नहीं छोड़ते, चिपक के बैठ जाते हैं, जैसे फेविकोल लगा लिया हो कुर्सी के साथ, और मान लो धक्के मार के कोई बाहर कर भी दे तो उस बैठने के लिए जो लोग आते हैं वो कितने होते हैं? वो एक नहीं होता, दर्जनों हो जाते हैं, कुर्सी को पकड़ लेते हैं, एक टांग इधर से खींचता है, इधर से खींचता है, चारों टांगे खींच खींच के कुर्सी को तोड़ देंगे, किसी को देंगे। वही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनता से कृष्ण पाल गुर्जर को वोट देने की अपील की। ये संकल्प जो लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, कि संकल्प पत्र के माध्यम से हम गरीबों को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे, किसान को मजबूत करने का काम करेंगे और युवा को आगे नए रोजगार के साथ जोड़ते हुए उसको मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित भारत बनाना है, आइए हम सब ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से इस बरखल की सरदारी से जाए कि आज कृष्ण पाल गुर्जर जी को हम बड़े बहुमत के साथ जतवा करके तीसरी बार भाइयों इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम। इस मौके पर लोकसभा उम्मीदवार कृष्ण पाल गुर्जर ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस बारात में दूल्हा ही नहीं उस बारात में कौन जाएगा। वहीं उन्होंने कहा जिस गाड़ी का ड्राइवर ही नहीं उस गाड़ी में कोई सवारी नहीं बैठेगी। बैठा हुआ ऐसा है जो बगैर दूल्हे के बारात में शामिल हुआ हो, है कोई? अगर है तो हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसी बारात किसी ने की है जिस बारात का दूल्हे ना हो? इनका तो दूल्हा ही नहीं है इस बारात का, तो इन ठगों की बारात। ऐसी गाड़ी में कोई बैठा है जिसका ड्राइवर ना हो? अगर बैठेगा तो क्या होगा? इनके पास दूल्हे नहीं तो बराती कहां से आएंगी? इनके पास ड्राइवर नहीं तो सवारी कहां से आएंगी? और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर नरेंद्र मोदी है, जिसकी गाड़ी में इस देश के 140 करोड़ लोग बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज देंगे। तो मित्रों, इनसे पूछो तुम्हारा एजेंडा क्या है? कहता हमारा एजेंडा सिर्फ मोदी को हटाना है। करोगे क्या? फिर प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पड़ाएंगे। 10 साल पहले भी तो यही हुआ। मित्रों, आपको मालूम कांग्रेस करेला है, करेला जैसे करेला का स्वाद नहीं बदलता ना, ऐसे ये कांग्रेसी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि रविवार बीती शाम बड़खल विधानसभा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी के साथ साथ लोकसभा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।